जैन बेटा मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो रोड पर स्कूटी नहीं चलानी आपने, ठीक है? यहाँ पे गली में चलाओ सिर, ठीक है? ठीक है पापा, रोड पे नहीं जाऊंगी। ओके। अरे एक दफा मैं रोड पे चलाती हूँ ऊपर जाने से पहले, फिर मैं स्पीड में चलाऊंगी रोड पे, फिर पापा को पता ही नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मसला बन जाता है ऐसा करके, मैं भाग ही जाती हूँ। क्या करूँ, एम्बुलेंस को बुलाऊं या फिर इसे छोड़ दूं? ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करूं इसे बचाऊं? हैदर को बता देती हूँ मुझसे एक प्रॉब्लम हो गई। नहीं नहीं मैं नहीं बताती, मुझे डांटना पड़ जाए। ये बहुत मजा आ रहा है। हैदर भी, हैदर भी, ये मजा आ रहा है इब्राहिम। हैदर भी मेरी बात सुनो ना। अरे जैनब क्या है, मुझे गेम खेलने दो, चुप करके बैठ जाओ। हैदर भी प्लीज बात सुनो ना। अरे मेरी गेम खराब कर रही हो तुम, जाओ, मैंने नहीं सुनी तुम्हारी बात। कैसे बताऊं उनको, ये तो मान ही नहीं रही, गेम में लगी हुई है। जैनब जल्दी से आके खाना खा लो, जल्दी आ जाओ। तुम्हें अम्मा की आवाज नहीं आ रही, कह रही आके खाना खाओ, किन ख्यालों में तुम गुम हो, जाओ। कहीं नहीं हैदर, कहीं नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। हैदर भी मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा जाओ जाओ, मुझे गेम खेलने दो। ये मैं जल्दी जल्दी में सो जाती हूँ। अरे मैं तो लाइट बंद की नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं कर रही, मुझे डर लगेगा। नींद क्यों नहीं आ रही मुझे, मुझे चाहिए था मैं उसे हॉस्पिटल ले जाती। इसकी नींदें मैं खराब करती हूँ, मुझे मार के खुद सुकून से सो रही है। क्या हुआ जैनब, ये कैसी आवाजें निकाल रही हो? हैदर भी वो बच्ची मेरा गला दबा रही है। वहाँ तो कोई भी नहीं है। हैदर भी वो आपके पीछे खड़ी हुई है। अरे जैनब कोई भी तो नहीं है उधर। हैदर भी आपके पीछे ही तो खड़ी है। पर कोई भी नहीं है, तुम्हें कहाँ से दिख रहे हैं? अरे जैनब ये तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ डर गई हो। अच्छा जैनब जल्दी से सो जाओ, अगर सोना नहीं है तो चलो हमें सब बाहर गेम खेलो, ठीक है? हैदर भी रुको, अब क्या है? मेरी बात सुनो। अब फिर वही वाली बच्ची की बात ना करना, मुझे अपने साथ लेके जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा चलो उठो, चलो मेरे साथ चलो। अरे जैनब हम मोबाइल को रख के आईपैड में गेम खेलते हैं एक साथ, चलो। ठीक है हैदर भी,
आओ। हाइदर पे टैब को बीच में रखो, ऐसे मुझे मजा नहीं आता। अच्छा बाबा रखती हूँ। बंद कर देते हैं। नहीं नहीं हाइदर मैं गेम ना बंद कर, मैं खेलती हूँ खेलती हूँ खेलती हूँ, चलो खेलो। देखा हाइदर भी, मैंने कहा था ना वो बच्ची गाड़ी चला रही है। बेटा पेपर अच्छे ही होने चाहिए, मुझे अच्छे नंबर चाहिए आप लोगों के। सुना? ठीक है पापा। वो किसका फोन आ गया इस टाइम? हेलो जी जी, चलें ठीक है मैं आता हूँ अभी। ओके ओके। पापा कहाँ जा रहे हैं? बेटा दोस्त मेरा बीमार हो, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है पापा, आप जल्दी आ जाना फिर घर। ठीक है बेटा मैं आ जाऊंगा जल्दी। ठीक है एक और बात यार, दरवाजा नहीं खोलना, कोई भी खड़खड़ाए दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है। ओके पापा ठीक है। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ, तो दरवाजा लॉक कर लो आप। ठीक है पापा। चलो अब पापा भी चले गए, अब मैं अपना पेपर याद कर लेती हूँ। आ गया पापा, तो अपने दोस्त की तरफ गए थे, इतनी जल्दी आ गए। चलो मैं देखती हूँ। कौन? कोई बोल भी नहीं रहा। चलो मैं खोल के देखती हूँ कौन है। यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, बंदा नहीं दिख रहा यहाँ पर। चलो मैं घर चलती हूँ जल्दी से। ये कौन तंग कर रहा है, मुझे तो डर लगने शुरू हो गया। चलो लगता है किसी ने गलती से बेल बजा दी होगी, मैं तो अपना पेपर याद करूं। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तो मैंने दरवाजा खोल के देखा था कोई भी नहीं है, अभी किसने बेल बजाई है? चलो मैं देखूं तो सही, कौन खोल के देखती हूँ। पापा आ, कम से कम आप बोले तो सही, मैं तो डर गई थी कि कौन इस टाइम आ गया, आप अभी तो गए थे। पापा ने तो मेरा कोई जवाब ही नहीं दिया, सीधा अंदर आ गए। ये किचन में क्या करने जा रहे हैं? अरे मैं देखूं तो सही पापा कर क्या रहे हैं किचन में। अब किसकी कॉल आ गई? ये मुझे किचन में बैठ के कॉल क्यों कर रहे हैं? हेलो पापा। बेटा आज मैं घर पे नहीं आऊंगा, मेरे दोस्त की डेथ होगी। ठीक है तो ध्यान से रहना आपने, और घर को लॉक रखना है, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है? ठीक है पापा। ये पापा तो फिर कौन है?
अरे ये कौन है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हैदर भी कैसे बातें कर रही है, देखो तो सही। अरे मैं अब क्या करूं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्या करूं मैं? अरे हैदर पे क्या हुआ, क्यों डर रही हो आप? मायदा मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, हमारे घर में ना कोई ना भूत है जो हमें बार बार तंग करता है। अरे हैदर पे कहाँ पे भूत है, मुझे तो कोई भूत नहीं नजर आ रहा। मायदा मैं बताती हूँ, वो ना पहले ना बैल लगी थी, तो मैंने जब दरवाजा खोला बाहर कोई भी नहीं था, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कोई भी नहीं मुझे मिला, और फिर मैंने दरवाजा बंद करके अंदर आके बैठी हूँ, फिर बैल हुई, फिर मैंने जब दरवाजा खोला पापा अंदर आए और सीधा किचन में चले गए, ना कोई बात की ना कुछ किया और अंदर चले गए। कहाँ है पापा? और हाँ जब मैं पापा के पीछे जाने लगी किचन में तो मुझे फोन आया, और जब मैंने फोन उठाया तो वो पापा की कॉल थी, और पापा कहते हैं कि घर का ध्यान रखना, मैं आज नहीं आ सकता, और किचन में भी पापा, वीडियो कॉल पे भी पापा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मायदा बताओ ना, किचन में ये भूत नहीं तो और क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हैदर पे आप डरे मत, चले आप मेरे साथ किचन में, देखते कौन है। चलो हैदर पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मायदा तुम आगे रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई भी नहीं है, आओ देखो देखो। कोई भी नहीं है, आप तो कह रही थी पापा हैं अंदर। अभी थे यहाँ पर कोई, था यहाँ पर कोई, मैंने देखा था खुद अपनी आंखों से। तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो अब बाहर चलो। हैदर पे आपने कोई चीज देखी होगी इसलिए आप डर। बेटा इस बिल्डिंग में कहते अच्छे अच्छे फ्लैट हैं, और फ्लैट का रेंट भी कम है, ये देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। पापा बिल्डिंग तो अच्छी है, मगर इसका रेंट क्यों कम है? यही तो बेटा पता नहीं क्यों कम है, अंदर फ्लैट भी अच्छे होंगे। वही तो मैं सोच रहा हूँ, है तो सन्नाटा यहाँ पे, मगर कोई ना कोई तो रहता होगा ना। कहते हैं 108 फ्लैट नंबर खाली है, वो फ्लैट देखते हैं, आओ चलो। ये 108 है। ये है बाथरूम और ये है हॉल। इसी भी अच्छी कंपनी का लगा।
इधर भी वो देखो एलसीडी का स्टैंड भी लगा हुआ है, हम तो एलसीडी भी लगा सकते हैं। अच्छा अरे बेटा ये देखो बालकनी है, वो सबसे अच्छी बात बाहर में रोड नजर आ रहा है यहाँ से। ये साफ हो जाता है, जाले जूले सब धोएंगे साफ हो जाएगा, क्या जरूरत। चलो आओ दूसरा देखो, चलो आओ। अच्छा चलो शाबाश चलें, दूसरे कमरे देखो, इसमें आपको पसंद आता कि नहीं आता देखो। कहाँ जा रही हो तुम? आपको क्या हो गया? आपकी आवाज़ को ये क्या हुआ? जी अकेला छोड़कर। पापा क्या हो गया आपको? होश में आए? पापा होश में आए? मैदा? मैदा को क्यों बुला रही हो? की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मैदा ये देखो पापा को क्या हुआ। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पापा तो बालकनी में हैं। ये फिर कौन है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है हैदरपी। अरे हैदरपी यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये आपका सिर्फ बहन होगा। बेटा क्यों इतना डर रही हो, क्या हुआ? मैं तो इधर रोड देख रहा था भाई। एक काम करो, डरने की जरूरत नहीं, जाओ तुम अपना कमरा देखो। लास्ट वाला तुम्हारा कमरा है, सेंटर वाला है मैदा आपका कमरा है, ठीक है? जाओ तुम अपना कमरा देखो जाके पहले। जाओ बेटा जाओ देखो। Oh!
आयदा कहाँ हो? हाँ बेटा पसंद आया घर के नहीं आया? पापा मुझे तो पसंद आया मगर हाइडर को नहीं पसंद आया। नहीं नहीं पापा मुझे भी पसंद आया, ये झूठ बोल रही है। हाँ आया मुझे। बेटा आप लोग ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये वाला फ्लैट नहीं चाहिए। अब मैं थक गया ढूंढ ढूंढ के, मैंने ये ही फ्लैट लेना है। ठीक है चलो सामान पैक करें और शिफ्ट हो यहाँ पे जल्दी से। ठीक है चलाओ। मैंने कहा था ना मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं। कहाँ पे फंस गई? अरे मैं ये किस जंगल में फंस गई? मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर कोई जिन्नात है। ना यहाँ कहीं बस दिख रही है आसपास, पता नहीं कैसे मिलेगी और पता नहीं कितनी दूर है ये शहर। कहाँ जाऊँ, किसको आवाज दूँ? ये तो मार्क्स है। प्लीज लिफ्ट, प्लीज लिफ्ट, प्लीज लिफ्ट, प्लीज प्लीज लिफ्ट, प्लीज लिफ्ट। बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिफ्ट दी, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक कौन कर रहा है गाड़ी? जल्दी मत बैठो, इसके अंदर भूत है, ये अपने आप चलती है गाड़ी। मैं भी इसमें बैठ के आई हूँ, ये खुद ब खुद चलती है गाड़ी। इस गाड़ी में आप बैठी थी? मैं भी कहूँ इसमें इतना वजन क्यों हो गया धक्का लगाने में? पेट्रोल खत्म हो गया था, बड़ी दूर से धक्का लगा के आ रहा हूँ मैं इसको। Thank you.
फ्रॉम दुबई। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय।